ये कल से लॉकडाउन का तीसरा फेज शुरू हो रहा है और ये लॉकडाउन ही है। बहुत सारे लोगों के अंदर ये गलतफहमी है कि लॉकडाउन खुल गया है या किसी प्रकार की और चीज़ें हो गई है। सरकार के द्वारा जो निर्देश जारी किए गए हैं उनको आप भी देखें, उनके अंदर खास तौर से जो जोर दिया गया है वो उद्योगों के ऊपर दिया गया है कि औद्योगिक इकाइयाँ खुलेंगी। मार्केट्स और दुकानों के बारे में सरकार के द्वारा, हमारे जिला कलेक्टर के द्वारा 15 तारीख को 19 को और 25 को जो गाइडलाइन जारी की गई थी वही गाइडलाइन है। चूँकि अपना जिला ऑरेंज जोन के अंदर है तो इसमें जो गतिविधियाँ भी चल रही हैं दुकानों के संबंध में लगभग वही चलेंगी। कुछ एक चीज़ों को छूट है वो भी उन शर्तों के साथ में है। तो ये नहीं है कि लॉकडाउन खुल गया और लोग सड़कों पे आएँ और चले जाएँ, इस तरीके की कोई भी चीज़ नहीं है। इसके अलावा शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक बिना काम बाहर निकलने पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया गया है कि कोई भी व्यक्ति बहुत बड़ी इमरजेंसी के बिना बाहर नहीं आएंगे और अन्य कोई व्यक्ति पास के बिना भी शाम को 7 से सुबह 7 बजे तक नहीं आएंगे। और दुकानों के बारे में वही है, गैर आवासीय कॉलोनियों के अंदर खुलेंगी जो जिनके पास में परमिशन प्राप्त है या जिनका रजिस्ट्रेशन है और जो जो चीज़ें पहले बताई गई थी सेकेंड फेज के अंदर उन्हीं के ऊपर खुलने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा टैक्सी के बारे में निर्देश है कि टैक्सी चल सकती है लेकिन उसमें खाली एक ही सवारी चलेगी और मोटरसाइकिल पर एक व्यक्ति को अलाउड किया गया है। कार वगैरह जो पहले की तरह आवश्यक अति आवश्यक कार्य से ही बाहर निकलना है और उसमें भी एक ड्राइवर के अलावा 2 सवारियां हो सकती हैं। तो ये नहीं है कि लॉकडाउन हट गया है या लॉकडाउन के अंदर लोगों को सड़कों पर घूमने की या बाहर निकलने की इजाज़त दी गई है, हर प्रकार की दुकान खोलने की इजाज़त दी गई, इस प्रकार का कुछ भी नहीं है। और इसका पालन करवाने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। तीसरे फेज की भी मुस्तैदी से और उसी तरह से पालना करवाई जाएगी।